50 रुपया महीना आया होगा। वेलकम बैक गाइस माय न्यू ब्लॉग वीडियो। तो आज जहाँ से वीडियो शुरू हो रहा है ये जगह मेरे लिए काफी स्पेशल है और आप लोगों के लिए भी ये होनी चाहिए क्योंकि ये एक देव स्थान है। तो चलो मिलवाते हैं आखिर कौन से देवता है, तो चलो दिखाते हैं उनका स्थान। तो बिना देरी के वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दो। तो चलो मिलवाते हैं। तो गाइस देख सकते हैं ये रहा जिखरी बाबा का स्थान। कितने लोग हैं जो जिखरी बाबा को पूजते हैं या उन्हें जानते हैं। तो चलो यहाँ पर मैं आया हूँ तो पैर छू लेता हूँ और अंदर चलते हैं, घंटी बजाते हैं। ये देख सकते हैं ये जिखरी बाबा जो इस वीडियो को देख रहा हूँ उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना है। तो मैं इन्हें पूजता हूँ और मैं इन्हें मानता भी बहुत ज़्यादा मानता हूँ उन लोगों को जिखरी बाबा को। तो ये है जिखरी बाबा का मंदिर, चलो आगे दिखाते हैं। तो देख सकते हैं गाइस ये है मंदिर जो कि अभी बनने को है, यानी ऊपर वो उसे बनता है ना घुमट टाइप का, वो बनने को है। तो अभी यहाँ पर बजरी वजरी रहता सब लगा हुआ है, तो काम जो है हो रहा है धीरे धीरे और बोल रहे हैं जिखरी बाबा। तो गाइस अभी हम लोग खेत पर जा रहे हैं, पापा गन्ना छील रहे हैं, भैंस के लिए चारा बना रहे हैं। तो साइकिल से जा रहा हूँ तो देख सकते हैं तो वही थोड़ी दूर पर है पापा, तो चलो भाग के चलते हैं और आग उठा के ना। तो अभी आपका भाई इस साइकिल से आया था यहाँ पर, तो इसकी गद्दी तो देखो गाइस बिल्कुल फट गई है ना। तो इसने पिछले ब्रेक है ऐसे ही ले आए और वो वाली जिंदा साइकिल पढ़ने ले गए हैं स्कूल को अपने। तो पापा वहाँ पर छोड़ रहे हैं तो पापा को टेस्टते हैं। तो गाइस खेत पर आ चुके हैं साइकिल से, यहाँ पर साइकिल खड़ी कर दी देख सकते हैं। तो दिखाते हैं साइकिल में क्या कमी है और पापा पीछे छोड़ रहे हैं। तो अब अगला को है जो घर पर ले जाने और जेंद्र आज स्कूल को गए हैं, तो वो तो है ना वो आते हैं फिर मिलवाते हैं उनसे भी। तो बड़े दिनों बाद खेतों का भी लोग आ रहा है क्योंकि काफ़ी पेपर भी निपट चुके हैं सामने, सब कुछ पेपर वेपर हो गए। 1 रजा 28 तारीख को, तो आई उसके बारे में भी थोड़ी बात करेंगे। और मेरी पहली पेमेंट भी आई आ चुकी है, वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लो। और उसे आने में कितनी मुसीबत हुई तो सारा कुछ बताएंगे आगे, तो बने रहेंगे। तो गाइस अभी हम लोग आए हैं खेतों की तरफ, हमने भी चलो फसल को दिखाते हैं कितने कितने बड़े गेहूँ हो गए हैं, तो आपको भी दिखाएंगे। और हवा काफ़ी तेज चल रही तो आवाज़ आ रही होगी, और अब तो ठंडी हो चली गई, अब तो धूप निकलने लगी है बहुत तेज। तो चलो गेहूँ दिखाते हैं कितने कितने बड़े हो गए। और आप लोग कमेंट में यह जरूर से बताने कि आपके गेहूँ कितने कितने बड़े हो गए, या आप लोग गेहूँ की फसल करते हैं या नहीं। और जेंद्र भी पढ़ के आ चुके हैं क्योंकि जेंद्र के पेपर चल रहे हैं इस वक्त, तो थोड़ा आधे घंटा तक हो यानी 3 घंटे तक होते तो सहीते चले जाते, तो गेहूँ दिखाते हैं। तो देख सकते हैं गाइस कुछ इतने बड़े गेहूँ हो चुके हैं और लेकिन यार काफ़ी बिगड़े जमे हैं देख सकते हैं, और काफ़ी फसल जो है कहीं कहीं पर नहीं जमी है, बहुत ज़्यादा बिगड़े हैं पता नहीं क्यों ऐसा है। और लेकिन यार इसी को तो कहते हैं फसल का कोई यार भरोसा नहीं होता, पता नहीं कैसे चलेगी जमे। देखो इधर भी यार कुछ बिगड़े हैं बहुत उनकी, वहाँ पर जेंद्र हैं देख सकते हैं, बान आन देख रहे हैं चारों तरफ क्योंकि गाय वगैरह नुकसान कर देती हैं। अच्छा नहर में पानी भी कहना चला गया है, तो दिखाते हैं कितना प्यारा चलो। तो गाय देख सकते हैं नहर का पानी कितना साफ, ये ऐसा लग रहा है पीने के काबिल हो। देखो कतई जैसे आपके फिल्टर का पानी नहीं होता है तो ऐसा जगह धार चल रही है मालूम भी नहीं पड़ रहा, काफ़ी साफ है क्योंकि इस वक्त इसमें जानवर वानवर कोई हंडाने नहीं है, तो इस वजह से इतना साफ है, वरना ये गंदा हो जाता है जब कोई जानवर हंडाता है इसमें। तो गाइस देख सकते हैं नहर में पानी चला गया, हम लोग नहर में है इस वक्त, तो कितना प्यारा नजारा है देख ही सकते हैं नहर का, अभी चारों तरफ पानी है हल्का हल्का। और गाइस मैं आपको बता दूं कि आप लोग वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो आप लोग भी सोचते होंगे कि भाई का पहला पेमेंट तो आ चुका मेरा, यानी पहला पेमेंट आ चुका, तो इसे देने में मुझे क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आखिरकार आप लोग को अगर आपका भी यूट्यूब चैनल है तो पहले पेमेंट आने में क्या क्या दिक्कतें होती हैं तो बताते हैं। तो गाइस आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे माय फर्स्ट पेमेंट वाली वीडियो के नीचे कि भाई आपका पहला पेमेंट आखिरकार कितना आया था और आपको पहला पेमेंट लेने में कौन कौन सी दिक्कतें आईं। तो पहली तो बात मैं बताऊँ दिक्कतों की, तो गाइस दिक्कतें तो विशेष नहीं आती अगर आपका एक बढ़िया बैंक में खाता है, और मान लो बड़ौदा में भी खाता है तो
थोड़ा अनुभूत हो सकता है, लेकिन मेरा SBI में है तो मुझे कोई भी दिक्कत का सामना नहीं हुआ। बल्कि हाँ, आपको चेक कर लेना चाहिए। मैं बैठा रहा मैसेज के भरोसे, मैंने कि खाता में नंबर लगा है, मैसेज आ जाएगा। लेकिन हाँ, यूट्यूब के कुछ रूल हैं यार। यूट्यूब 25 तारीख को यानी 21 तारीख को वहाँ से ट्रांसफ़र होते हैं रुपये, और उसके बाद 25 या 27 तारीख तक आप खाते से निकाल सकते हो। तो वो बिल्कुल सही है यार, वो अपने टाइम कदर कलेक्ट रहते हैं, वो उस टाइम पर आपके खाते में आ जाएगा। तो अगर आपकी पहली पेमेंट आने को हो तो आप 25 या 26 को जाकर बैंक में पता कर लेना, तो आपकी आ जाएगी। और आपको एड्रेस जो है वो सही जानना चाहिए, यानी पिन कोड का बहुत ज़्यादा महत्व होता है इन चीज़ों में। तो आपका जो पिन कोड हो वो सही जानना, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी मेरे हिसाब से। और रही बात पेमेंट की, तो आप लोग सोचते हो कि भाई ने 1 लाख रुपया महीना आया होगा, क्या आया होगा, यानी इतने दिन से नहीं है, 3-4 लाख। तो यार कुछ नहीं, थोड़े बहुत मान लो मेरे 1 से 4 जो अगर आए थे। देखो मैं आपसे छुपा नहीं सकता, मैं आप मेरा परिवार हो यार, तो आपसे छुपा कर क्या ही करूँगा। क्योंकि मेरे बीज डाउन थे, इस वजह से मेरी पेमेंट कम आई, और उसे यूट्यूब पर कोई क्लियर नहीं होता कि इस मंथ इतनी पेमेंट आई तो अगले मंथ इतनी आएगी, इससे कम भी आ सकती है, यानी इससे कम तो क्या ही आएगी, लेकिन इससे ज़्यादा आ सकती है। लेकिन अगर आपके डॉलर नहीं हो पाएंगे तो नहीं भी आ सकती है, तो ये मैटर रखता है। और RPM बहुत ज़रूरी है, यूट्यूबर नहीं बताते सारे, लेकिन मैं बताता हूँ कि यूट्यूब पर RPM का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा खेल है यार। यानी RPM मेरा इस वक्त इतना डाउन है कि मेरा 1 दिन में $1 नहीं बन पाता यार। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, और आप लोग भी अगर काम करते तो मेहनत करते रहो, और पेमेंट आपकी भी जरूर आएगी एक दिन। तो घर पर चलते हैं और वीडियो को लाइक कर देना। तो गाइस देख सकते हैं जमाना कहाँ का कहाँ पहुँच गया। पहले सब्जी वाले आते थे और बड़ी प्यारी आवाज लगाते थे, अब देखो जेल में सुनाते हैं। चलो बाहर दिखाते हैं आपको कि कैसे जेल में प्रचार कर रहे हैं सब्जी का यार, हर चीज का। अब कुछ भी बिकने आता है जेल द्वारा बिकता है जो वाला, हर चीज आजकल इंटरनेट यानी वो क्या कहते हैं यार, डिजिटल हो चुकी है। फूल गोभी लेकर जाइए, जी हाँ, तो चलाइए चलाइए चलाइए, फूल गोभी लेकर जाइए। भाई देख सकते हैं, मैं ये मिठाई है जिसे मैं मिठाई बहुत ना गुड़ भी बनते हैं, जो मैं इस चाय में उधर में जाता हूँ। तो कितने लोग हैं जो यानी मिठाई की चाय पीते हैं या चीनी की चाय पीते हैं। हम लोग तो मिठाई भी सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है, तो बनाते हैं और फिर आपको दिखाएंगे कि कैसी बनती है। गाइस देख सकते हैं चाय बन चुकी है, इस कमंडल में मैंने छान दी है और दूध छान दिया। दूध ये ऐसा इस हड़िया का है, इस वजह से इसमें चिकनी ऐसी आ गई। और यहाँ पानी गर्म कर दिया मम्मी के लिए नहाने के लिए, क्योंकि मम्मी शाम को नहाती है, काम धंधा करके नीचे हो पाती है। तो मैंने कहा चलो आज पानी गर्म कर देते हैं, तो चाय पीते हैं और फिर चाय रख देंगे। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।